हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम बात करेंगे मई मंथ की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मई मंथ में बहुत सारी उथल पुथल हुई, पूरा महीना जो है इलेक्शन में गुजरा है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट तक का जो है पूरा सिलसिला चला है। ईवीएम की जो है वो जो उसकी डाटा है उसको रिलीज़ करने की बात हुई है, तो यहाँ पर जो है डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उन सारे डिसीजन में से जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम टाइम में सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले केस की, तो इसका नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे क्रुएलिटी का जो आपका पूरा का पूरा मामला है, 498A का जो मामला आता है, उसमें एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया है यहाँ पे हमारे सेंटर को। केस के फैक्ट को पहले थोड़ा सा समझते हैं। केस के फैक्ट में ये है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ एलिगेशन लगाया था कि वो उसको मारता पीटता था, फिजिकली अब्यूज़ करता था, मेंटली अब्यूज़ करता था, डाउरी की डिमांड करता था। उसकी फैमिली जो है वो बहुत बुरी है, एक तरह से कहने का मतलब है अल्कोहलिक था हस्बैंड, और यहां पर वो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर भी यहां पे रखता था। जब चार्जशीट फाइल हुई तो चार्जशीट में यहां पर हस्बैंड के अगेंस्ट एलिगेशन पाया गया और यहां पर बाकी जो फैमिली मेंबर थे उनको यहां पे चार्जशीट में उनको छोड़ दिया गया, बेसिकली उनका नाम जैसा कि होता है निकाल दिया गया। मामला आगे बढ़ा, आगे में जो है जाने के बाद देखा गया कि जो 498 का मामला था पूरा का पूरा फेक पाया गया। कोर्ट ने यहाँ पर हस्बैंड को जो है बाइज्जत बरी किया केस में, और यहाँ पर कोर्ट ने सेंटर को कहा कि भाई जब आप 498A को नए तरीके से फॉर्म करने का आपको मौका मिला है, यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है उसमें जिसके सेक्शन 85 और 86 में इसको पूरे तरीके से डील किया गया, तो आपने इसमें कुछ नई चीज़ें क्यों नहीं ऐड की, कुछ नया मॉडिफिकेशन क्यों नहीं ऐड किया जिससे इसके जो मिसयूज़ है उसको रोका जा सके। आपने एज इट इज़ पूरा का पूरा जो है सेक्शन जो है उतार दिया यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सेंटर को जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप हमारे जो 14 साल पुराने जजमेंट हैं प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, उसके सजेशन को कंसीडर करिए और यहाँ पर जो 85 और 86 है BNS का उसमें जो है मॉडिफिकेशन करिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो क्रुएलिटी वाला पूरा का पूरा प्रोविज़न है उसमें जो है मॉडिफिकेशन करिए ताकि उसके मिसयूज़ से लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट केस है, बात करें हम लोग तो अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है अरविंद केजरीवाल को जो है अभी जेल में रखा गया है और उनको जो है बेल की एप्लीकेशन उनकी चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की बेल यहाँ पे दे दी है। जैसा कि उनको 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था और उस दिन से वो अरेस्ट ही थे, जेल के अंदर ही थे, और उनको जो है लीकर जो पॉलिसी स्कीम है दिल्ली की उसके अंदर उनको अरेस्ट किया गया था, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनको 21 दिन की अपने बेसिकली कहें तो इलेक्शन के कैंपेन करने के लिए उनको जो है वो 21 दिन की इंट्रीम जमानत यहाँ पे दी है। जमानत में जो जो कंडीशन रखी गई है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला बात तो उनको कहा गया है कि 50,000 का बेल बॉन्ड भरना एक सिक्योरिटी के साथ, दूसरा है कि उनको रिस्ट्रिक्टेड विजिट रखी गई है कि वो जो है CM ऑफिस नहीं जा सकते हैं, वो जो है सेक्रेटेरिएट जो है दिल्ली का वहाँ नहीं जा सकते हैं, उनको जो है लिमिटेड ऑफिशियल ड्यूटी करनी पड़ेगी, हर पेपर पे वो साइन नहीं कर देंगे उठते के साथ ही जब तक वो पेपर जो है इंपॉर्टेंट ना हो और वहाँ पे गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसको की तरफ से अप्रूवल ना हो कि हाँ यहाँ पे साइन जो है उनका ज़रूरी है। पब्लिक कोई कमेंट नहीं करेंगे केस के रिगार्ड में, कि ऐसा नहीं कि जाके केस के फैक्ट वगैरह बाकी जाके पब्लिक को बोलने लगे, और किसी भी विटनेस के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेंगे। बेसिकली जो हमेशा रूल लगाया जाता है कि आप विटनेस को गुमराह नहीं करेंगे, उसको किसी तरीके से भड़काएंगे नहीं, उसको किसी भी तरीके का लालच वगैरह नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को माननी है। अब जिस दिन हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, अब अगर कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, उनको 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, तो अब वो वापस से जेल के अंदर जा चुके हैं। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस का नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वर्सेस प्रिया वर्गेशी। ये जो है बेसिकली केस जो है वो जो केरला के चीफ मिनिस्टर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनकी वाइफ का है, उनको एज ए एसोसिएट प्रोफेसर कान्नूर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं थी, उन्होंने अपनी PhD को एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाया था और जिसके बेसिस पे उनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे UGC ने एक रीजॉइंटर फाइल किया एफिडेविट में, और उन्होंने कहा कि जो PhD का टाइम पीरियड है वो कभी भी जो है आपको एक्सपीरियंस के तौर पर काम नहीं माना जाता अनलेस एंड अनटिल आपने एज एन असिस्टेंट वहाँ पे काम किया हो या किसी भी तरीके के आप एज ए टीचिंग वहाँ पे काम कर रहे हों। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने फुल टाइम PhD करी है, तो आपका वो टाइम पीरियड एज ए
एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो केरला हाई कोर्ट की जो सिंगल जज बेंच थी तो उन्होंने इसके फेवर में इनके अगेंस्ट जजमेंट दिया था, बाद में डिवीज़न बेंच ने प्रिया जी के फेवर में जजमेंट दे दिया जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके अपॉइंटमेंट पर कुछ नहीं कहा है, इन्होंने यहाँ पर नोटिस जारी किया है UGC को और यहाँ पर अभी इनके जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके केस में जो भी जजमेंट आएगा वो सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर होगा। और अगर कोर्ट मान लीजिए बाद में इस चीज़ को मना कर देती कि उनका एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा तो यहाँ पे उनको अपनी पोस्ट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। आगे बात करें नेक्स्ट केस की, तो प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, जिनको ऑब्वियसली बात है आप जानते होंगे, इनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है और यहाँ पर इनको जो जीत मिली है वो है 1066 वोटों से। जो टोटल वोट अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल वोट जो है यहाँ पर 2330 हुए थे, जिसमें जो मेंबर थे टोटल 2850 में से 2330 बेसिकली वोट यहाँ पे पड़े थे, जिनमें 1066 वोट यहाँ पे कपिल सिब्बल को मिले हैं। मई 16 को ये रिज़ल्ट आया था और यहाँ उसी दिन यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन भी हुआ था और उसी दिन रिज़ल्ट भी आ गया शाम के टाइम में। और यहाँ पर ये बहुत टाइम बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद वापस से ये प्रेसिडेंट बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन लोगों, किन किन पोस्ट पे जो है कितने कैंडिडेट जो हैं वो कंटेस्ट किए थे इलेक्शन, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बात करें यहाँ पर तो आम आदमी नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 370 का जो जजमेंट था उसको रिव्यू किया गया था करने के लिए, एक पिटीशन फाइल की गई थी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उस पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि आपको मालूम है 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 370 के जो डिसीज़न थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको सही कहा था और कहा था कि किसी भी तरीके से ये जो है सॉवरेनिटी स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर नहीं रखता है और उसके जो सॉवरेनिटी, उसके जो स्टेटस है स्टेटहुड का, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको जल्दी से जल्दी स्टेटहुड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को देना चाहिए, लद्दाख में आपको इलेक्शन कराना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी बातें अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही है, लेकिन उस पिटीशन को रिव्यू करने से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ऑर्डर को रिव्यू नहीं किया जा सकता एज पर सुप्रीम कोर्ट 2013 का जो रूल है उसके हिसाब से। नेक्स्ट केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि इलेक्शन का पूरा महीना गुजरा है, तो इलेक्शन में जो डाटा दिया जाता है बेसिकली पोलिंग होने के बाद कि कितने लोगों ने वोट किया है, कितने पोलिंग स्टेशन से कितने जो है वो वोट पड़े हैं और वहाँ पे कितना परसेंटेज है, कितने मतदाताओं ने वोट किया है, कितने लोगों में कितने लोगों ने वोट किया है, बेसिकली ये सारा डाटा आपको तुरंत रिलीज़ होता था। तो ये इस बार इलेक्शन में बहुत लेट हुई है और इस बार इलेक्शन में जो डाटा आया है वो परसेंटेज के फॉर्म में आया है, ना कि नंबर के फॉर्म में आया। तो इसको लेकर जो है ADR ने, उन्होंने जो है एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म 17C है उसको जो है स्कैन करके अपलोड किया जाए जिससे पता चल सके कि कितने लोगों ने यहाँ पर वोट किया है किसी भी पोलिंग बूथ पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये कहीं भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि ये डाटा वो रिलीज़ करे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातें भी मानी क्योंकि ये लॉ के अंडर था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डाटा अगर हम रिलीज़ नहीं करते तो इससे कोई भी नुकसान वगैरह नहीं है और इसको फिर नेक्स्ट डेट पर हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रख दिया। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी लीगल अपडेट। आई होप ये लीगल अपडेट आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम हर मंथ की लीगल अपडेट अपलोड करते रहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।